जिला स्तर पर हुई क्राइम मीटिंग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा थाना क्षेत्रों में पूर्व में संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल रहे बदमाशों पर निगरानी रखकर उनके द्वारा अपना जीवन यापन किस प्रकार किया जा रहा है इसकी जानकारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन्द्र सिंह बघेल द्वारा अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों को इस संबंध में कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर टीम बनाकर लगाया गया। थाना प्रभारी सागौर राजेंद्र सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार पूर्व में संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल रहे सूचीबद्ध लोगों पर निगाह रखना प्रारंभ किया। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में सागौर के रहने वाले कैलाश पिता रतन भील एवं उसका साथी दीपक निर्माणाधीन कंपनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं एवं अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। सूचना पर कैलाश पिता रतन मसानिया को सागौर के शंकरपुरा बैड़ा पर प्लास्टिक की कैनों में महुआ शराब लेकर आया है, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं प्लास्टिक की कैनों में कुल 60 लीटर अवैध शराब होने से आबकारी एक्ट में कार्यवाही की। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। ये जो अपराधी पकड़े गए सर, किस केस में पकड़े गए? पिछले दिनों क्राइम मीटिंग के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार सर और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री तरुणेन्द्र सिंह बघेल सर द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी संपत्ति संबंधी अपराधी हैं इन पर नज़र रखी जाए और ये किस प्रकार की इनके चाल चलन है, तो उसी के तहत हमने हमारे क्षेत्र में पतारसी की और कैलाश पिता रतन भील को 60 लीटर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया और जिसके 4 स्थायी वारंट पूर्व के थे, जिसमें वो लगातार फरार था। 2 अपराधों में थाना सागौर और पीथमपुर से फरार था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा 7,500 रुपये का नगद रिवार्ड डिक्लेयर किया था। इससे थाना क्षेत्र में अन्य जो चोरी की वारदात है उस पर भी पूछताछ की जा रही है। एक वारदात कबूली है जिसका माल बरामद किया जा रहा है। अभी बीआर पर लिया गया है आरोपी को। आपका नाम? राजेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी सागौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।